सबसे पहला सवाल अर्शप्रीत जी मेरा आप ही से है, इस तरीके का बयान और उसके बाद सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट से कांग्रेस का किनारा कर लेना और उसके बावजूद डिफेंसिव मोड में रहना, कांग्रेस का फिलहाल का स्टैंड क्या है सैम पित्रोदा के बयान को लेकर और क्या सोचती है विरासत टैक्स को लेकर भारत में बैठी हुई कांग्रेस? नंबर एक, हमने बड़े क्लियर शब्दों में क्लैरिफाई किया है कि ये जो बयान है ये सैम पित्रोदा साहब का है, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इसे फिर भी कांग्रेस पार्टी को एटीट्यूट करना चाहती है तो ब्रजभूषण जी ने जो कहा वो सारी भारतीय जनता पार्टी को एटीट्यूट कीजिए, जो कुलदीप सेंगर ने किया वो सारी भारतीय जनता पार्टी को एटीट्यूट कीजिए, जो चिन्मय संदीप सिंह जो जैसे लीडर्स ने कहा और किया वो भारतीय जनता पार्टी को एटीट्यूट कीजिए, इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण को करप्शन केस में कन्विक्शन हो जाती है भारतीय जनता पार्टी को एटीट्यूट कीजिए, सबको करप्ट कह दीजिए। दूसरी बात, जयंत सिन्हा जी पे आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, 15 मिनट उन्होंने वेहिमेंटली इसके इनहेरिटेंस टैक्स के फेवर में वो बोले और कहा, यूएस का उदाहरण भी दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि उनका क्या कहना है इस पे, जयंत सिन्हा साहब पे। दूसरा, अरुण जेटली साहब, ये दूसरा फैक्ट है, उन्होंने भी इसको प्रेज किया था और कहा था कि पश्चिमी देशों में टैक्स जो है टैक्स की वजह से, इनहेरिटेंस टैक्स की वजह से अच्छे अस्पताल बन पा रहे हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन पा रहे हैं। ठीक है अर्शप्रीत जी, लेकिन मेरा सवाल यह था कि आज का स्टैंड क्या है, तो आपने कहा कि सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट के साथ आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक आपका डिफेंस जोन है जिसमें आप बीजेपी पर हमलावर होते हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा, अगर सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट से बीजेपी किनारा कर रही है तो मंगल सूत्र के बाद विरासत टैक्स पर बीजेपी का हल्ला बोल क्यों जारी है? पूर्णिमा जी, जिस तरह से इनके जो भी सैम पित्रोदा, जो आज के सैम पित्रोदा हैं, उनका असली नाम है सत्य नारायण गंगा राव जी, तो जिस तरीके से गंगा राव जी ने अपने आप को बदल करके सैम पित्रोदा बना दिया है, उसी तरीके से भारत के जो परिवारवाद है, जो परिवार है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको बदल करके बाहर की संस्कृति की तरफ ले जाने की कोशिश है। और इनका ये मानना है कि जो लोग भी जिसके पास जितनी संपत्ति है उसका जिस तरीके से ये एक्सरे करना चाहते हैं, और इनके घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बहुसंख्यकवाद का विरोध करते हैं। भारत में बहुसंख्यक कौन? हिंदू। बहुसंख्यकवाद का मतलब, अभी तक कांग्रेस केवल मुसलमान मुसलमान कर रही थी, आज सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को एक साथ लेकर चलने की बात कर रही, तो इनको कष्ट होने लगा है, और कष्ट इस कदर का होने लगा है कि इन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि ये बहुसंख्यकवाद का विरोध करेंगे, आपने कहा कि आपने संपत्तियों का एक्सरे करेंगे, आपने कहा कि इनके मैनिफेस्टो में, इनके घोषणा पत्र में ये क्लियर लिखा हुआ है कि कैसे ये संपत्ति छीन लेंगे अलग अलग मन से। बीजेपी के नेता ये नहीं कहते कि ये संपत्ति ले लेंगे, आप कहते हैं कि ये संपत्ति छीन लेंगे। अर्शप्रीत जी तैयार रखिएगा, क्योंकि मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी जिसका जिक्र अभी डॉक्टर कौशल ने किया कि आपके घोषणा पत्र से ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि संपत्ति को लेने की कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस का फ्यूचर प्लान भी यही कहता है। बाकी मेहमानों के पास जाना चाहूंगी, राहुल लाल जी आपके पास आते हुए, रामकृपाल सर फिर आपके पास आऊंगी, बिलाल जी भी हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, बिलाल जी आपका स्वागत करती हूं। राहुल लाल जी जरा मुझे इसको डीकोड करने में थोड़ी मदद कीजिएगा, कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है या मंगल सूत्र के बाद विरासत वाले मुद्दे को लेकर बीजेपी बेबुनियाद की एक राजनीति कर रही है? पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से प्रथम चरण के चुनाव में जो काफ़ी कम वोटिंग प्रतिशत हुआ है, जो लग रहा है बीजेपी को खुद ही कि वो उनके वोट गिरे हैं, उसके बाद बौखलाहट में तमाम कांग्रेस के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और अब देश के 20-25 करोड़ के जनता को ही सीधे सीधे घुसपैठिए कहना शुरू कर दिया है, जहां पे कि घुसपैठिए सबसे ज्यादा 2014 के बाद रोहिंग्या शरणार्थी इन्हीं के यहाँ घुसे हैं। विरासत, आप देखिए विरासत के मामले पे देखिए, ये तो सैम पित्रोदा का निजी बयान है, उस हाँ। जब कांग्रेस ही उस बयान को नहीं एंडोर्स कर रही है हाँ। कोई मतलब नहीं, और कांग्रेस घोषणा पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र को मैंने 10 बार कम से कम पढ़ा, 48 पेज के एक एक लाइन को, उसमें हमें कहीं पे भी ऐसा कोई चीज नहीं दिखा। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, अभी भी मेरे मोबाइल में घोषणा पत्र खुला हुआ है, कोई बता दे किस जगह पे ऐसा कोई पॉइंट है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे मामले हैं,
और ये भारतीय जनता पार्टी के उसी चीज को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैन है। ठीक है, और वो आप झूठ का सहारा लेने के लिए बाध्य हो गई। ठीक है, एक मिनट आपका खत्म होता है सर, फिर डिटेल में इस पर बात करेंगे। डॉक्टर कौशल, जल्दी से इसका जवाब आपसे एक ही मिनट के अंदर लेना चाहूंगी। जरा ये दिखाइए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कहां पर मेंशन है और कैसे रिफ्लेक्ट होती है सैम पित्रोदा की कही गई बात इनके घोषणा पत्र से। पूर्णिमा जी, मैं चाहूंगा कि इनके मैनिफेस्टो का पेज नंबर 28, पॉइंट नंबर 21 खोलिएगा इसको अर्शदीप जी, पेज नंबर 28, पॉइंट नंबर 21 और पढ़ रहा हूं मैं, वी विल एड्रेस द ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम थ्रू सुटेबल चेंजेज इन पॉलिसीज। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है सुटेबल चेंजेस इन पॉलिसी? और डाउट इसलिए होता है, क्यों डाउट होता है, आप देखिए 2012 में राइट टू एजुकेशन बिल के अंदर से जिस तरीके से इन्होंने मदरसे को बाहर किया, 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश की जो संसद में बीजेपी उस समय की शिवसेना एआईडीएमके और उस समय की टीएमसी के थ्रू गिरा। उसके अलावा 1995 में वक्फ एक्ट लाए, वक्फ एक्ट को इतनी पावर दी कि वो हाईकोर्ट के बराबर हो गई और किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर वो हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है। और आज के समय में गैर सरकारी संस्थान जिसके पास भारत की सबसे ज्यादा ठीक है सर, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। आप वही बात को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि इनके इन पॉइंट से एस्टैब्लिश होता है। आप ही सर आ रही हूं आपके पास, डिटेल में इस पर बात करूंगी कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो सबकी संपत्ति लूट लेगी, यही कहना चाहते हैं ना आप, जो अलग अलग मंचों से बीजेपी कह रही है। आती हूं इसके बाद अर्शदीप जी, इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन रामकृपाल सर आपके पास आते हो, फिर बिलाल जी आपके पास आऊंगी। ये दूसरे दौर की लड़ाई में मंगल सूत्र के बाद अब बात विरासत टैक्स को लेकर आ चुकी है, क्या होने वाला है 24 का मुद्दा दूसरे चरण की शुरुआत से लेकर? आरक्षण की बात होगी, मंगल सूत्र की बात होगी, हिंदू मुस्लिम और इसके साथ साथ विरासत टैक्स। क्या आपको लगता है कि आगे के बचे हुए 6 चरण इन 4 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे और इसका कितना इंपैक्ट होगा सर? देखिए पूर्णिमा जी, बात ये इसके इर्द गिर्द घूमेगी नहीं, ये मुद्दे तो ऑलरेडी आ चुके जी। अब यह जनता पर है कि इन मुद्दों पर जिस तरह की बहस हो रही है वो किस पर भरोसा करती है, किस पे नहीं करती है, अलग बात है। एक मैं साधारण सी बात बता दूं, इस देश का 60% युवा है, वो युवा जो है वो 35 से 40 साल से नीचे का है, और वो 60% युवा जो है वो सिर्फ देश के बारे में नहीं पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है। वो एक बात को जानता है कि रिवॉल्यूशन के दिन खत्म हो गए, अब इवोल्यूशन के दिन है, आप डिस्ट्रीब्यूशन के दिन खत्म हो गए, अब क्रिएशन ये जो होता है अब एक डिस्ट्रीब्यूट नहीं, जिसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन तो दुनिया में अब कभी भी नहीं। रशिया ने कोशिश की, फिर पूंजीवाद पे आ गया, चाइना में कोशिश की फिर पूंजीवाद पे आ गए। माओ से तुंग के जमाने में ही टेंग शाओपिंग ने कह दिया था कि बिल्ली काली है या सफेद मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो चूहे पकड़ती है। यानी कैपिटलिज्म अगर हमारे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देगा तो हम पूंजीवाद की राह पे जाएंगे। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि वेल्थ क्रिएशन की बात होनी चाहिए, दुर्भाग्य से कांग्रेस के पूरी मैनिफेस्टो में डिस्ट्रीब्यूशन की का तो संकेत है कि किसके पास ज्यादा है उससे लेके कम वाले को देंगे, लेकिन कहीं वेल्थ क्रिएशन? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहस ही बेमानी है। वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी सर, पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से पैसा आएगा क्या? एक तरफ से लेके दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्या? नहीं नहीं, सुन तो लीजिए मेरी बात जी। वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये नहीं होता, आज की तारीख में नॉलेज इंडस्ट्री है, एक फेसबुक का आदमी एक छोटी जगह पर बैठ करके इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट कर लेता है कि कितना हो गया, कितनी पूंजी थी उसके पास से, आप यूं समझिए नॉलेज इंडस्ट्री। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि आगे का फॉरवर्ड प्लानिंग की बात कीजिए। और दूसरी बात रही कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी ने उसके बाद जो बयान दिया, रही सैम पित्रोदा की बात, तो मैं इतना कहूंगा कि अमेरिका हो जाने दीजिए इस देश को, उतनी ट्रिलियन 22 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप जो है वेल्थ टैक्स लगाइए। और जानते हैं वेल्थ टैक्स वहां पर इनहेरिटेंस टैक्स किस पे लगता है? जितना एक एक आदमी के पास है उतना तो यहाँ पर जोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है सर, तो आप
एक जमाने में इंदिरा गांधी ने भी 90% तक टैक्स लगाया था, अंत में उस पॉलिसी को बदलना पड़ा। ठीक है। और मनमोहन सिंह जब आए तो नई पॉलिसी शुरू की।